संतन की अब कहते हैं इनके बार तुम मत जा, तू क्या अगर संत जहां मिल जाए वहां उनके चरणों में बैठ जा, पकड़ ले, वही तेरा काम हो जाएगा। ये नहीं इनके महाराज चले गए तो डूब ही रहे और तुम्हें भी डुबा देंगे, इनके महाराज जाए तो संतों के पास जाओ तो वहां अपना हित करा ले, लाभ हो जाए। खोल करके समझाते हैं, बोलो सतगुरु कहे सोई तुम मानो, इनका वचन न कर परमा। जो सतगुरु कहे उस वचन को तुम मान लो, वो कुछ भी कहते रहे, एक बात मत मानो, नहीं महाजाल में फंसा देंगे आपको कुकर्मों में और इनके खुद जा रहे ले जाएंगे। इनकी एक बात मत मानो, जो सत महापुरुष कहे वो तुम मान लो और वही करो जो बताए, ये मत करो। बोलो तू आ तो इधर अपने घर की तरफ चल, मुझे बताएंगे तो सबका बताएंगे पता ठिकाना, कौन कहाँ किस रूप में किस नाम में किस स्थान पर उसकी कौन आवाज है और कहाँ बैठा हुआ सब बताऊंगा, रास्ते का पूरा भेद बताऊंगा। तुझे ये नहीं कि बताऊंगा दिखाऊंगा, दर्शाने का मतलब है दिखाना ही है। ये बैठे हुए ये उनका रास्ता ही है, दर्शाने को इसको कहते हैं दिखाने को, ये नहीं कैसे बता दिया बस हो गया ऐसा नहीं, दिखाना है, दिखाना है तो तेरी आँख खुल जाएगी कान खुल जाएंगे तो देखेगी और सुनेगी भी और सुगंधी जो है तो सुनेगी, मैं सब तुझे दूंगा तू बात करे, बहुत प्यार से तब जा रहे और वो नहीं मानेंगे, न वो तेरी बात माने न मेरी मानेंगे, क्योंकि उनको वही काम करना है, उस काल ने जाल बिछा दिया वही करेंगे, इनके ऊपर गढ़ते चले, गढ़ते चलते गढ़ते बड़े बड़े ऐसे आराम से चीरे जाते और लाखों बरस तक एक रफ्तार चीरते रहते हैं वहाँ उस नरक में, ऐसे चीरते रहते और चिल्लाते रहते और पीछे से दौड़ते रहते और चीरते रहते और जीव चिल्लाता रहता है क्या करें, वहाँ कैसे झूठे कौन छुड़ाएगा, तो माँ जेल खाना है मतलब माँ अपराधी कुंड है। बोलो मन और सूरत जमाओ तिल पर घेर घुमर घट आओ, तुम घाट पर आ जाओ, इधर उधर जो भाव मत, मन को बुद्धि को चित्त को फिरका करके इधर उधर से जो काम में क्रोध में लोभ में मोह में ममता में इन सब विकारों में घूमता फिरता है उसको ले आओ, यहाँ घाट ये यहाँ ले आओ और यहाँ सामने तिल का निशान उस निशान पर अपनी दृष्टि को ऐसे रोको तो दरवाजा मिल जाएगा। कहते घेर घार के मन को ले आओ और मिट्टी के साथ उसको तिल पर रोको। बोलो निरखो खिड़की देखो चौगा चित्त लगाओ राखो रो, तुम देखो तो निशान भी तिल का मिलेगा खिड़की मिलेगी और फिर चौका मिलेगा जिसपे खड़ो के देखो, चौकते मैदान खड़े होकर के उसको देखोगे तुम अपनी आंख से देखोगे वो क्या है, तो तुमको तिल ही मिलेगा, दरवाजा मिलेगा, चौके मिलेगा, तो घेर घार करके मन को बुद्धि को चित्त को दृष्टि के साथ रखो और दृष्टि अपने तिल को देख लेगी, वह ऐसे खड़ी हो जाए, आँख बंद करने पर जब ऐसे खड़ी होती है तो तिल दिखाई देता है देने में, कहते हैं खड़े जाओ वहाँ खिड़की है दरवाजा है खुल जाएगा। बोलो पचरंगी फुलवारी निरखो दीप दान घट भी दीप जला, वो करोड़ों वजन वो जला और वो सब पचरंगी फुलवारी बड़े बड़े बाग बड़ी बड़ी नदियाँ नहरे बहुत सुंदर सुंदर मकान बहुत ही सुंदर सुंदर वहाँ ये सब कुछ दिखाई देता है और ये कुछ नहीं है, ये जैसे समुद्र और जितने जमीन है सब मिला कर बड़े बड़े दवा तो नदी लगा है, कहते हैं वो दिखाई दे रहा है पचरंगी तमाम रचना है और वो दीपदार वो दीपक चिराग जल रहा है
उसमें कोई तेल बत्ती की जरूरत नहीं, तो कुदरती चल रहा है, वो दिखाई देगा। कहते देवनाथ घाट पर बैठ कर देखो, कब जब दिल पर अपनी दृष्टि को रोकोगे, मन को इधर उधर से रोक करके लगाओगे और वो खिड़की खुलेगी, दरवाजा खुलेगा तो वो दिखाई देगा। जब उसकी रोशनी आएगी तो ये सब दिखाई देगा। चरणजीत कहती कहती रचना है, विविध बात की, खुश हो जाओ, मुग्ध हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे रचना को देख करके। इसमें तो कुछ आनंद है नहीं, अंतर्दृष्टि खुल जाएगी और वो दिव्य लोक है वो जब दिखाई देगी इनकी रचना, तो बिल्कुल आनंद से भरा हुआ आनंद मिलता है, सुंदरता है, आनंद प्रकाश है। लेकिन ये कुछ नहीं है, वहां भी ऐसा ही जाल बिछा रखा कि ताकि आप आगे ना चले जाओ, इसी को देख के ही रुको। अब आपसे कोई कहे कि भाई इसको तुम मत देखो, आगे अच्छा दिखाई देगा और भी बढ़िया और सुंदर चीजें और रथ भरी और बड़ा तुमको वहां मिलेगा, तो कहता है नहीं नहीं, हम अब छक गए, अब हम तृप्त हो गए, अरे कहले कुछ नहीं है, चलो आगे। तब बड़ी मुश्किल से छोड़ता है वहां वो सब देखना देखना, सब सुंदर सुंदर चीजें। और वो एक बाजार था, किसी ने लगाया, उसने ऐलान किया कि हमारे बाजार में सुंदर सुंदर चीजें देखने को मिलेंगी, और जो कोई भी बाजार में आएगा, कोई भी चीज उठा लेगा जो सुंदर से सुंदर होगी, तो दोबारा नहीं ले सकता। और हमारे बाजार में कोई चौकी पैरा नहीं, जो आए सामान उठाए बैठते हैं। तो सब लोग जो बाजार में घुसे कहने लगे सबसे अच्छा, आगे वाले कहने लगे सबसे अच्छा, और एक को ले लिया तो क्या आप सबसे अच्छा, तो आप नहीं ले सकते, अब तो एक तुमने ले लिया, आप नहीं ले सकते। आगे तो एक बुढ़िया आई, उसने दरवाजे में खड़े होकर देखा कि हमने सुना है कि बेटा बड़ा सुंदर बाजार, कि हाँ अंदर जाओ। तो सोचने लगी कि हम जब सब बाजार देख लेंगे, उसके बाद जब देखने के बाद जो चीज पसंद आएगी उसको लेंगे। तो बुढ़िया चली जा रही है, उससे अच्छा ये, उससे अच्छा ये, उससे अच्छा ये, उससे अच्छा ये, उससे अच्छा सुंदर चीज बहुत ज्यादा। बिया सोचने लगी भाई इसका बनाने वाला कौन है, ये जो चीजें बनाई है वो कौन है, वो सोच रही थी। तो वहां एक पर्दा पड़ा हुआ था बड़ा सा, तो उसने कहा भाई बनाने वाला तो बहुत सुंदर होगा, जब उसने इतनी सुंदर चीज बनाई तो बहुत ही सुंदर होगा। तो पर्दा हटा दिया, ऐसे हटाया पर्दा तो सामने से कहले तुम इधर कैसे आए, कि आपने बाजार लगाया और बाजार में ऐलान किया जो एक चीज इसमें से उठा लेगा फिर कुछ ही ले नहीं सकता, तो देखिए हमने तो कुछ नहीं लिया। जब उसने पर्दा हटाया तो कहते तो फिर क्या चाहते, कह लगे भाई जो हम सामने हम तो उसको चाहते हैं जो सामने है, ये सब बाजार की चीजों से ये सुंदर है, तो हम तो आपको चाहते हैं, हमको बाजार की चीजें नहीं चाहिए, ऐसा बाजार है उसको कोई नहीं चाहता, बाजार की चीजें चाहते तो ये फंस जाते हैं और सामने है और दीपदार बिल्कुल दीपक जला, तीनों लोगों में उजाला हो रहा है। बोलो कोई दिन ऐसी लीला देखो, नील चक्र तारागे पे घूम, वो चक्र है ऐसे घूम रहा है, नील पर्वत है और सफेद मतलब है चक्र है, इसी को कहते हैं नीलगिर पर्वत। वो चक्र ऐसे घूम रहा उसी पर अपनी दृष्टि को रोको तो घूम जाएगा, वो ऐसे ऐसे ऊपर हो जाएगा, ऐसे दृष्टि ऊपर चली जाएगी, तब आगे दिखाई देगा। बोलो बिरह प्रेम बलता को फोड़ो, ज्योत निहारो मन को मोड़ो, वो ज्योत दिखाई दे रही। अब ये नील चक्र के बाद सामने सामने निहारो तो ज्योत दिखाई देती है, अब तुम मन को वहां ठीक से लगाओ चित्त को और दृष्टि को और तो उसके पास पहुंच जाओ, तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, पास नहीं है लेकिन दिखाई देता है दूर से। अब जितनी आंख तेज होगी, जितनी आंख आपकी तेज है दूर दिखाई देता है। अब वो आंख दिमाग बहुत तेज है, बहुत दूर का देखती है, करोड़ों का अरबों अरबों जोड़न का देखती है, तो बहुत तेज आंख हो, बहुत बड़ी आंख है। अभी तो बहुत छोटी है, तो थोड़ी चीजें दिखाई दे, बड़ी कहते आगे
अल्लाह जो तैयार हो मन को। अब ये मन उसका रस लेगा क्योंकि मन वहीं से आया, बुद्धि भी वहीं से आई, चित्त भी वहीं से आया अहंकार, और वहां इनके सबके भंडार है, अपने अपने भंडार में पहुंच जाएंगे तीन लोग के मालिकों।